शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक मरतबा फिर से ये तौफीक और सआदत इनायत फरमाई कि एक मरतबा फिर से फर्शे अज़ाए सैयद शुहदा आका अबादिल्ला अलैहिस्सलाम पर आ जाएं और जमा हो जाएं ताकि उस मजलूमा माँ पर पुरसा पेश किया जा सके कि जहां जहां भी उस हुसैन की मजलिस होती है ये माँ वहां पुरसा लेने के लिए पहुंच जाती है। अजीजाने मोहतरम, यकीनन परवरदिगार आलम ने अगर करबलाए मुअल्ला को जन्नत की जमीन की जन्नत करार दिया है तो फर्श अज़ा का मकाम भी तख्ते कुब्बा हुसैन अलैहिस्सलाम से कम नहीं है। इसलिए कि
आयतुल्लाह शेख जाफर शूस्तरी अल्लाहु मकामहु अपने दौर के जितने बड़े मुज्तहिद और मर्जा थे उतने ही बड़े आशिक हुसैन उतने ही बड़े जाकिर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम थे। यकीनन शेख शूस्तरी के हालात तो मैंने नहीं पढ़ने, लेकिन एक बात तो तय है कि आप जब खिताबत में लुकनत महसूस करते थे तो एक रात आप रोते रोते ये सोचकर सो गए, आपकी आंख लग गई रोते रोते कि अगर मैं खिताबत सही से न कर पाया तो दिलों में मोमिनीन के दिलों में अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत कैसे बढ़ा पाऊंगा। जब ये सोचते सोचते आंख लग गई है, एक मरतबा मैदाने करबला में देखा एक खेमा लगा है कि जिस खेमे की तरफ हिदायत दी गई और उस खेमे की तरफ बुलाया गया शेख चुश्तरी को। जैसे ही वारिद खेमा हुए हैं आका अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा, ऐ हबीब हमारा मेहमान शेख चुश्तरी आया है, हमारे पास इनकी खिदमत में पेश करने के लिए पानी नहीं है, इसलिए कि हुसैन आज इतना गरीब हो गया है कि हमारे खेमों में पानी खत्म हो गया है, अलबत्ता एक खीर है, एक खीर एक फिरनी का प्याला है, शेख की खिदमत में पेश करके मेहमान नवाजी की जाए। खसाइस हुसैनिया किताब की इब्तिदा में लिखा है उन्होंने ये वाकया, और कहते हैं कि जैसे ही मैंने आलम ख्वाब में इस खीर से कुछ तलावर किया है, जैसे ही मैं बेदार हुआ हूं, बेदार होने के बाद मैंने अपने वजूद के अंदर ऐसा तगैयुर और तबद्दुल महसूस किया, मेरा जहन और मेरी अक्ल अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के फजाइल को बयान करने के एतबार से ऐसे चलने लगी, और उसके बाद मैं मेरे जहन के अंदर वो रब्त आए, वो नुकात आए कि जो मुझसे पहले किसी ने बयान न किए थे। ये वो बात है कि जिस पर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की नजर करम हो जाए, और नजर करम किस पर होती है कि जो खुद को हुसैन की जात से करीब करना चाहे, और करीब कौन होता है जो इस दर पर आकर खुद को झुका ले, और जो इस दर पर आकर खुद को झुका ले ये उसे इतना बुलंद करते हैं, इतना बुलंद करते हैं कि आसमान पर जाकर रोशनी देने का काम करता है। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जहां जिस फर्श पर अज़ाए सैयद शुहदा बर्पा होती है वो मकाम कुब्बा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का उनवान पा लेता है। बात निस्बत की है, लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम मैं निस्बत की बात आपकी खिदमत में फिलहाल तो अर्ज नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कल आपकी खिदमत में आपने क्या अर्ज किया था, जानना और है पहचानना और है, या जानना और मानना और है, जानते सब है मानते बहुत कम है, इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कलील मिन इबादी शुकूर, मेरे शुक्र गुजार बंदे बहुत ही कम है। बल्कि एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इंसान आजकल के इस दौर के अंदर कसरत को देखकर धोखा न खाए, ये बात याद रखिएगा, कभी कसरत को देखकर धोखा ना खाइएगा, ये कभी ना कहिएगा कि मौलाना हम क्या करें वहां देखिए वहां तो कसरत है। एक ऐसी हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, दुआ है कि बात आपके दिलों में उतर जाए और जहां जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां वहां तक ये मेरा पैगाम मौला सैयद शुहदा आका अब्दुल्लाह के जिक्र में अलैहि सलातो व सलाम के सदके में पहुंच जाए। और वो ये कि इंसान जब कसरत को देखता है एक मरतबा उसके दिल में हैबत पैदा होती है, एक रोब पैदा होता है और उसी डगर पर चलना शुरू कर देता है, उसी मॉब को फॉलो करना शुरू कर देता है कि जो मॉब कसरत में किसी एक जगह पर भाग रहा हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कसरत में कहीं जा रहे हो वो हक की तरफ ही जा रहे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, कश्ती बना रहे थे, कसरत थी जो हजरत नूह का मजाक उड़ाने वाली थी, जब कश्ती चली है कसरत थी कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करने वाली थी, यहां तक कि हजरत नूह का बेटा भी और हजरत नूह की सौजा भी मुखालिफत करने वालों में थे। क्या हुआ, नबी खुदा का बेटा था बच गया, नबी खुदा की सौजा थी बच गई, नहीं,
क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने उस वक्त कसौटी का मेयार रखा था, हुक्मे खुदा पर कौन उतर रहा है? पहले ये जुमला सुन लीजिए कसरत वाला, और उसके बाद फिर मैं एक और एतराज भी हम पर होता है और हम मतलब देखते हैं सवाल किया जाता है। हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ तादाद कम थी, हजरत हूद और सालेह अलैहि सलाम के साथ तादाद कम थी। कितने साल हजरत नूह ने तबलीग की है? 950 साल। कितनी उम्र है? या 1500 साल या 2500 साल। इसमें से 950 साल तबलीग की है, कितने अफराद आए? सिर्फ 80। 80 से ज्यादा की तादाद तारीख में नहीं मिलती। कसरत नहीं थी हजरत नूह के साथ, किल्लत थी। हजरत हूद और हजरत सालेह के साथ कसरत नहीं है, किल्लत है। ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके साथ भी कसरत नहीं थी। कितने थे कि जो खदीजा की तरह से रिसालत बाप की इत्तेबा और इताअत में थे? कितने ऐसे थे कि जो सलमान की तरह से रिसालत बाप के पैरों थे? कितने थे? बहुत ही कम थे। जो जानते तारीख को वो जानते इस बात को। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के साथ आ जाइए, आपके दौर के अंदर आ जाइए, सलमान हो, मिकदार हो, अबू ज़र हो, अम्मार हो, मीसम हो, ये कितने थे? कसरत में थे या किल्लत में थे? साहिब सरवत थे या गरीब फकीर थे? कोई चाहो हसब रखने वाले थे, कोई असर रसूख रखने वाले थे, वेल कनेक्टेड थे, क्या थे? कुछ भी नहीं थे, लेकिन सब कुछ यही थे। इसलिए कि इनके पास वो दौलत थी जो दुनिया के और लोगों के पास नहीं थी, यानी कि मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब। इसके माना ये हुए कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन कायनात की सारी दौलत उसके कदमों में है, और जिसके पास कायनात की सारी दौलत हो लेकिन दिल में अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत न हो तो तवंगर नहीं है, फकीर है। मौला इमाम हसन मुस्तफा को वो जुमला कहा गया जो हम और आप जुमला कहते हैं या मुइज्जल मोमिनीन अल मुस्तज़फीन, इसका उलट जुमला कहा गया मेरे मौला। ए मोमिनों की इज्जत के बाइस, इसका उलट जुमला क्या होगा मैं अपनी जुबान से दोहराना नहीं चाहता। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक फैसले को, वही फैसला जो तारीख साज फैसला है, जिसे हम और आप सुलों के नाम से याद करते हैं, और उलमा ने इसे अपनी किताब में हुदना के नाम से याद किया है, यानी कि सीज फायर। दरअसल जंग को रोका है हसन मुज्तबा ने, बगैर तलवार चलाए जंग को जीता है अफसारा के लाल ने, और बातिल की चार्ज शीट दुनिया के सामने लाकर रखी है। क्या है? जाकर पढ़िए सुलोनामा। पहला उसका क्लॉज क्या है? आज से कुरान और सुन्नत नबवी के मुताबिक अमल होगा। उसके माना आज से पहले तक नहीं होगा। इसके माना क्या? आज से पहले तक नहीं। आज से सादात को बे जुर्म और खता कत्ल नहीं किया जाएगा। इसके माना आज से पहले तक हो रहा था क्या? मौला ने ऐसे कई क्लॉजेस लिखे कि जिसको जाकर पढ़िएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जो बातें कर रहा था और किसी को मालूम नहीं था, हसन मुज्तबा एक वर्के पर लिख कर लोगों के सामने ले आया। समझने वाले के लिए था, लेकिन ये उसके लिए था कि जिसने अपना सरे तस्लीम हुक्मे इमाम के सामने, इमाम के फैसले के सामने खम किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कल तक अपने आप को हसन का कहते थे, उन्होंने ही उठकर हसन की मुखालिफत की थी। तारीख को उठाकर देखिएगा, जिनमें बड़े उलमा भी शामिल हैं, जिनमें बड़े नामवर अफराद शामिल हैं, उन्होंने हसन मुज्तबा के इस फैसले पर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया। न फकत ये के साथ नहीं दिया बल्कि मुखालिफत की, और मौला से अलग हो गए। आका हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में देखिए
72 से ज्यादा लोग नहीं है तो माना क्या हुए कि एक बात याद रखना, कलीलों में इबादी और शुकूर, हमारी हक वालों की तादाद हमेशा से कम रही है और कयामत तक कम रहेगी। कसरत को देखकर मरदूद न होना। इमाम हसन मुस्तफा का साथ छोड़ने वाले क्यों साथ छोड़ गए? कहने लगे हमें समझ नहीं आया हसन का ये फैसला। क्या कहा? नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम का फैसला हमें समझ नहीं आया। आप कौन थे कि जिसके समझ आने न आने से शरीयत बदल जाया करे? मतलब क्या हुआ कि इमाम के हुक्म के सामने, हुक्म खुदा के सामने जब लॉजिक लाई जाएगी, क्या कहा जाता है मौलाना, ये लॉजिक से समझाया करे बात। आजकल दौर तब्दील हो गया है और बात लॉजिक से किया करे। बिल्कुल सही फरमाया आपने और ऐसा ही है, आजकल लॉजिक से बात की जाए तो फौरन कबूल की जाती है, कालत बाकिर कहा जाए तो कबूल नहीं की जाती। कालत सादिक अलैहिस्सलाम कहा जाए कबूल नहीं की जाती। मैं आकर कहूं कि मेरी अकल को यह समझ में आता है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए और इमाम के, इमाम की मर्जी के ऐन मुखालिफ हो, आप कहेंगे मौलाना ने क्या बात की, क्या बात की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऐन मुताबिक कालत बाकिर और कालत सादिक कर गई है आपको कोई बात बतलाई जाए तो वही कल वाला जुमला, क्योंकि ज़ईफ हदीस तो नहीं सुनाई आपने, मुझे बतलाइए कि कैसा मकाम है। अफसोस है वो ज़ियारत आशूरा के, जिस ज़ियारत आशूरा के पढ़े बगैर मुज्तहिद मुज्तहिद न बनता हो। है क्या ज़ियारत आशूरा? ज़ियारत आशूरा हदीसों कुदसी है। एक सलाम है छठे इमाम अलैहि सलाम का हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम की तरफ, उसे ज़ियारत वारिसा कहते हैं, और एक सलाम है अल्लाह का हुसैन इब्न अली के नाम, उसे ज़ियारत आशूरा कहते हैं। सिखलाई किसने है? छठे इमाम अलैहि सलाम ने सिखलाई है। मसाला क्या है? मसाला ये है, हमने यकीनन एक शख्स से बात की, कहा कि बात आपकी ठीक है लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं, लॉजिक के कहते हैं। मैंने कहा लॉजिक हमारी आपकी लॉजिक क्या है? नहीं मौलाना, सारी जिंदगी मेहनत करके हमने अपनी अकल को काबिल किया, यानी ये अकल किन बुनियादों पर उस्तवार होकर पुख्ता हुई है ये भी बता दीजिए। क्या आइमा अथार अलैहिस्सलाम की अहादीस के जिन में आइमा ने जिंदगी के उसूलों को बयान किया, शरीयत के कवानीन को बयान किया, उनकी जरिए से आपने अपनी अकल को उस्तवार किया या नहीं? फलसफा पढ़ के अपने आप को उस्तवार किया? खैर मैं इस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं मिसाल के जरिए से बात को पेश करना चाहता हूं। मामले की संगीनी को समझी, लॉजिक का जिक्र आया है, एक दावा, दो दावे, दो दावे। एक उन लोगों का दावा जो हजरत नूह अलैहि सलाम से कह रहे थे, ऐ नूह शहरा में कश्ती बना रहे हैं, चले बना ले कश्ती, लेकिन इस कश्ती को चलाने के लिए फिर दरिया भी बनाना पड़ेगा आपको। किसी ने कहा देखिए ये नो कश्ती बना रहे हैं, ये रेत पर कश्ती चलाएंगे। सोचिए जब इंसान अपनी अकल को हुक्म खुदा के सामने ले आकर खड़ा करे तो कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां कर बैठता है। अब इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती रहे और सुनने वाले या वाह-वाह करके खुश होते रहे या रोना रो रो कर आंसू बहाते रहे, उन चीजों को देखकर अफसोस होता है कि इंसान ये नहीं देख रहा कि बात क्या की जा रही है मेंबर से, और वो बात सुनकर इंसान गिरिया कर रहा है, रो रहा है। लॉजिक की बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में, लॉजिक की बात गौर से सुनिएगा। लॉजिक की क्या बात है? हजरत नूह अलैहि सलाम ने कुछ ना कहा, इसलिए कि जानते हुक्म खुदा है। नूह ने तो सिखाया कि सरे तस्लीम खम करो अल्लाह के हुक्म के सामने, लिहाजा दिल में कोई शक पैदा ना किया। इसके माना यह हुआ कि मारिफत को बढ़ाने का एक तरीका यकीन है। मारिफत इमाम अली सलाम की मंजिलों में आगे बढ़ने का एक जुज यकीन है, यकीन। लेकिन तूफान आया, कुएं से पानी उबला और ये कश्ती उस पानी के अंदर चलना शुरू हुई, और वो अपराध के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत कर रहे थे उसी पानी के अंदर डूबकर गर्क हो गए।
एक दूसरी बात ये भी एक लॉजिक की मिसाल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या बात कही थी, बात ये कही थी जब हजरत नूह ने कहा या वलदी इरकब माना, ए मेरे बेटे हमारे साथ कश्ती में आ जा। कहा सहाबी ले जबल यासमुनी मिन अलमा, देखिए देखिए उस पहाड़ पर जाकर मैं बना दूंगा, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा तूफान से, आपकी कश्ती पर आने की मुझे जरूरत नहीं है। तो तारीख ये बताती है कि दुनिया का हाईएस्ट पीक उस वक्त वही पहाड़ था कि जिस पहाड़ की तरफ नूह का बेटा इशारा करके कह रहा था कि ये मुझे बचा लेगा। लॉजिकली उसका दावा गलत नहीं था, लॉजिकली बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, लेकिन हम और आप उसे बेचारा नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी लॉजिक के साथ के जरिए से पेश की जाने वाली दलील हुक्म खुदा की मुखालिफत कर रही थी। ये बात याद रखिएगा, जब जब इंसान की अकल के सामने हुज्जत खुदा की बात आ जाए या खुदा की बात आ जाए, जीत खुदा और हुज्जत खुदा की होगी, अल्लाह का हुक्म आगे निकल जाएगा, अकल पीछे रह जाएगी। वरना तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लॉजिकली क्या कहेंगे, सवा लाख का मजमा नहीं लाखों का मजमा, लाखों का मजमा है और एक तरफ 72 की फौज। अल्लाह ने उन 72 वालों को जिंदा रखा कयामत तक। अब ये हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का नाम कोई मिटा नहीं सकता, है ना। चले अब ये 72 और 71 और एक इस तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन बात लॉजिक की थी, मैंने आपकी शिद्दत महसूस कर दी। एक शख्स आया जरूर रिसालत में आपके पास उस वक्त के जब मदीने मुनव्वरा में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को कुछ लोगों ने अपने घर पर दावत दी, और कितने लोग हो गए दावत देने वाले, 40 हो गए, वक्त एक ही था दावत का। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने जब एक मरतबा सबकी दावतों को कबूल किया, मदीने मुनव्वरा में वर्ड ऑफ द माउथ ये हो गया था कि अली अपने अभी तालिब 40 घरों पर एक ही वक्त में दावत पर कैसे हाजिर हो पाएंगे। यहां तक के लोगों ने कहा कि देख लेना अली मेरे यहां आएंगे तेरे यहां नहीं, इसलिए कि अली मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते तुझसे नहीं। अगला दिन आया, दावत अटेंड करने का वक्त पहुंचा, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम 40 के 40 घरों पर हाजिर हुए। एक मर्तबा जब शख्स निकल कर दूसरे को बताता है कि मौला मेरे यहाँ आए थे, कहते झूठ बोलता है, मौला तो मेरे यहाँ आए थे। यहां तक के लोगों ने एक मर्तबा इस बात को महसूस किया कि नहीं नहीं, ये तो सारे के सारे जिन्होंने दावत दी थी और जो दाई थे सबने ये कहा कि हमारे यहाँ पर अली इब्ने अबी तालिब वक्त पर आ गए थे। इसके माना ये हुए कि अली 40 घरों पर मौजूद थे, ये बात सब कह रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आ रही, कुछ अफराद वो थे कि जो सुनकर मुस्कुराने लगे, कुछ थे कि जिनके दिल एक मर्तबा बेकरार होने लगे, बेकरार होने लगे यानी कि उनके शिकम में मरोड़ उठने लगा, उनके पेट में मरोड़ उठने लगा। इसलिए कि बात फजीलत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो आ गई थी, कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रसूल के पास जाएंगे शायद रसूल मना कर दे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, रिसालत में आपके पास आए, जब रसूल के पास आए ना, रसूल ने दो जवाब दिए। पहला जवाब नफसी था, पहला जवाब ये था, याद रखो ये तो 40 घर थे, अगर 1000 घरों पर भी अली को एक ही वक्त में बुलाया जाता, अली इब्ने अबी तालिब 1000 के 1000 घरों पर नजर आता। और दूसरी दलील उस वक्त रिसालत बाब ने पेश की है जब कहा कहने वाले ने या रसूल अल्लाह अकल से ये बात समझ नहीं आई, अकल से ये बात समझ में नहीं आई। रिसालत माफ, रिसालत माफ ही क्या, वो रहमतुल्लिल आलमीन ही क्या कि आकर सवाल लाने वाले को खाली झोली पलटा दे। रिसालत माफ ने इरशाद फरमाया, ये बता तू कहां से ताल्लुक रखता है। कहा मैं मदीना का रहने वाला हूं। तो दूसरे से पूछा कि तू कहां का रहने वाला, मैं यमन का रहने वाला हूं। तू कहां का रहने वाला, मैं शाम का रहने वाला हूं। तू कहां पे रहता है, मैं इराक में रहता हूं। तू कहां पे रहता है, मक्का में रहता हूं। तू कहां पे रहता है, ईरान में रहता हूं। तू कहां पे रहता है, मगरिब में रहता हूं। ये बताओ कि तुम जहां जहां पर भी रहते हो अपने अपने वतन से उस वक्त के जब सूरज तुलू होता है उसे देख पाते हो। कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल नजर आता है। कहा मदीने वाले को मदीना में रहते हुए सूरज उसी वक्त में एक ही वक्त में नजर आता है, शाम में रहने वाले को उसी वक्त में सूरज अपने वतन से नजर आता है, यमन में रहने वाले को उस एक ही आन के अंदर अपने वतन से सूरज नजर आता है। सूरज एक ही है, देखने वाले हजारों है। ये सूरज है कि जिस सूरज को अल्लाह ने इस
अली की मोहब्बत में पैदा किया है, फिर जब इस महबूब को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि एक होकर इतनी सारी जगहों से नजर आए, तो फिर अली इब्ने अबी तालिब तो फखरे अंबिया है। ये वो बात, ये बात। और आ जाइए एक और बात, जब इंसान अपनी अकल से फैसला करता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अमल नहीं करता ना, तो फिर यही होता है कि रिसालत माँ के बाद क्या हुआ, जो आया वो जानता था कि मैं इस मनसब और इस मिंबर पर बैठने के काबिल नहीं हूं, तो क्या हुआ, एक सीना छोड़कर नीचे बैठा। जैसे जैसे रसूल का एहतराम बढ़ता गया, जीने उतरते चले गए, जीने एक के बाद एक जीना नीचे आकर बैठे जाने लगे, यहां तक के उसका दौर आया जाहिरी जाहिरी, वरना तो बिना फसल खलीफा रसूल अली इब्ने अबी तालिब है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है इन्ना अलैना लल्हुदा, जहां पर नबुव्वत का इख्तिताम हो रहा है, इमामत का आगाज वहां से हो रहा है बिला फासले के। अगर किसी ने फासला तसव्वुर किया तो अल्लाह का वादा गलत साबित किया। एक मरतबा मौलाए कायनात तशरीफ लाए, पहले सीने पर कदम रखा, दूसरे पर कदम रखा, तीसरे पर कदम रखा, और जहां रिसालत मां बैठा करते थे वहां पर आकर बैठे और ये कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद रजअ अलहक इला मकानिही, अल्लाह की हम्द है उसके एहसान पर, आज हर अपने मकान पर वापस पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने देखकर एक मरतबा ये कहना शुरू किया, रसूल की जगह पर जाकर बैठ गए हो, रसूल के मिंबर पर जाकर बैठ गए हो, एक मरतबा मौलाए कायनात अलैहि सलाम ने जब नहीं कही फरमाया हो, तुम रसूल के मिंबर पर बैठने पर ताज्जुब कर रहे हो, मैं तो वो हूं कि जो रसूल के दोज पर सवार हुआ था। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल, मैं वो हूं कि जो रसूल के दोज पर सवार हुआ था। और तथहीरे काबा रिसालत माब ने बारिश काबा के जरिए करवाई है, लेकिन मौलाए कायनात अलैहि सलाम एक दुरूद भेजे सारे मिलकर बाबा से, कद रजअ अलहक इला मकानिही, अकल से बात है। बहरहाल चले, मैं गुफ्तगू को का रुख मोड़ देता हूं। अकल इंसान उतनी इस्तेमाल करे जितनी अहले बैत अथार अलैहि सलाम ने कही है, वरना फिर क्या होगा, ये अकल ही से तो फैसला कर रहे थे कैसे कैसे अली अपने अबू तालिब यहां आकर बैठ सकते, ये मनसब है, ये मनसब इलाही है, मिंबर रसूल मनसब इलाही है। एक जुमला और आपकी खिदमत पेश कर दूं, एक जुमला, मैं सोच रहा था कि बात एक अगले मरहले पर ले जाऊं, लेकिन अब ये बात जब तक मैं कह ना दूंगा तब तक इसी तरह से चलता रहेगा, कहूं ना कहूं कहूं ना कहूं। एक दुरूद भेजेंगे सारे मिलकर बाबा तक, एक मरतबा उम्मे हबीबा रसूल के अजवाज में से एक जौजा जनाब खदीजा के बाद, जितनी अजवाज है रिसालत माँ की जनाब खदीजा के होते हुए कोई नहीं, जनाब उम्मे हबीबा से मिलने उनके वाले घर। अब जरा तारीख जाकर पढ़िएगा कौन है उम्मे हबीबा और कौन थे उनके वाले, नाम भी लिखा है तारीख, बज़ाहिर इस्लाम ले आए थे और सारा सिलसिला था। एक मरतबा जब आए हैं घर में दाखिल हुए, रिसालत माँ का घर है, आगे बढ़कर रसूल का बिस्तर लगा हुआ था, वहां जाकर बैठना चाहते थे कि बेटी ने रोका, पापा रुक जाइए। जनाब उम्मे हबीबा आगे दौड़ कर गई, रसूल के बिस्तर को लपेटा, एक तरफ किया, कहा अब बैठ जाइए। जैसे ही ये देखा, कहा कि बेटा मैंने सुना था कि तुम मुसलमानों के यहां, आपने तो कलमा पढ़ लिया, मैंने सुना कि तुम मुसलमानों के यहां पर वालिदैन का बड़ा एहतराम किया जाता है। कहा बाबा वालिदैन, अब ये मैं अपनी जबान में समझा रहा हूं, वालिदैन की विलायत और है
अल्लाह के नबी की विलायत और है, यानी विलायतों की विलायत जो है वो अल्लाह के नबी की और अल्लाह के आइमा की विलायत है, कि जो दुनिया की सारी विलायतों को अपने घेरे में ले लेती है, अपने हिसार में ले लेती है। दुनिया की कोई विलायत भी आइमा या अथार अलैहिस्सलाम की विलायत के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती, उसके बराबर भी नहीं आ सकती। लेकिन एक मरतबा जनाब उम्मे हबीबा ने यह बयान किया कि बाबा जान ये रसूल का बिस्तर है, इस पर हर कसो नाकस नहीं बैठ सकता, मेरा सलाम हो जनाब उम्मे हबीबा पर कि जो रसूल के बिस्तर को समझती है। जब कोई आम शख्स कसो नाकस रसूल के बिस्तर पर बैठने का अहल ना हो तो रसूल के मिंबर पर बैठने का कैसे अहल हो सकता। लिहाजा अकल से समझने की बात अगर करेंगे आप, इंसान अपने अकल को अहले बैत की अकल से भी आगे ले जाएगा नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर बात खराब होना शुरू हो। क्या समझा इंसान ने और क्या ना समझा। जनाबे अबू जर अलैहि सलाम एक मरतबा जनाबे अबू जर नहीं जनाबे मिकदाद हजरत सलमान के साथ रहा करते थे मदीने मुनव्वर। जनाबे सलमान और जनाबे मिकदाद साथ रहा करते। एक मरतबा जब जनाबे मिकदाद तशरीफ लेकर आए घर में तो क्या देखा, जनाबे सलमान जो है वो जो देगची रखी हुई है उन्होंने आग पर आग बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे कंकर उस आग में डाल रहे हैं कि जिनके जरिए से आग बुझती नहीं है, आग भड़क रही है, आग भड़क रही है। एक मरतबा देखकर हैरान हुए और सवाल किया कि ऐ सलमान ये आग पत्थर डालने से आग बुझती है, आप पत्थर डाल रहे तो आग भड़क रही है, ये क्या बात है। क्या तुमने वो कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी, वत्तकुन नार लती, अपने अपनी औलाद और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन पत्थर और कंकर है। वो आग के जिसका पत्थर और कंकर जिसका ईंधन हो, सोचिए उस आग में क्या कुछ जल न जाएगा। इंसान तो बहुत दूर की बात है, अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ। यानी कि कुरान करीम की आयत ये है, इसे सलमान ने ऐसे समझा है, इसे सलमान ने ऐसे समझा है कि वो आयत सलमान की रूह में ऐसे उतर गई है कि अब उस आयत का मजहर अपने हाथों से दुनिया के पत्थर और कंकर के जरिए से पेश कर रहे हैं। ये क्या नतीजा हुआ, अहले बैत अथार से करीब रहने का नतीजा हुआ। कुरान सामित को समझना कुरान नातिक के करीब होने की वजह से हुआ। लेकिन क्या कहा जाता है आजकल के दौर में, ये कहा जाता है कि कुरान जब तक उसका तर्जुमा ना पढ़ेंगे कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और इस वजह से क्या कहा जाता है कि आइए आइए हम और आप बैठते कुरान लेते तर्जुमा पढ़ते खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही समझते हैं। ये होता है। फिर मैं जो बात अकल से पहले शुरू की है और जो बात यहां पर पहुंची है इसको गौर से सुनिएगा। इंसान जब अपने आप को कुछ समझने लगता है और अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक मरहले पर आकर डिस्कार्ड करने लगता है ये कहकर कि हमें तफसीरों की जरूरत क्या है। हत्ता अरबी भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लोग ये कहते हैं और आप सुनिएगा कि कुरान की अरबी पढ़ने का फायदा नहीं है, जब तक तर्जुमा ना पढ़ा कुरान को समझा नहीं तो क्या हुआ। कलिमा तो हकील युरादो बिहल बातिल, हक का कलमा है मगर इससे बातिल इरादा लिया जाता है। क्या बातिल इरादा लिया जाता है, ताकि बैठ कर अपनी मर्जी के तफसीर बयान करके लोगों को गुमराह किया जाए। तफसीर होनी चाहिए मगर वो जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने बतलाई या तालीमात अहले बैत की रोशनी में हुई या किसी ऐसे आलिम ने बयान की कि जिसने अपनी जिंदगी कलाम मासूम को समझने में सर्फ की थी, कि जिस पर कलाम मासूम का रंग चढ़ चुका था। अब इस एतराज का जवाब सुनिए,
एक बात ये मुझे बतलाइए कि इंसान पर कुरान करीम की आयतें असर नहीं करती नाउज़ बिल्ला। आपने मैंने कल एक जुमला कहा था, बल्कि दो दिन पहले भी एक जुमला कहा था कि अच्छे स्लोगन्स सिर्फ सुनकर उन्हें कबूल न कर लिया करें, इसलिए कि कानों को अच्छी लगने वाली हर बात जरूरी नहीं कि काबिल कबूल हो, एक्सेप्टेबल हो। ये बात, ये नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पहुंचता कहां है पता है? इसका एंड क्या है? सुन लीजिए, इसका एंड ये है कि कुरान करीम मौजजा नहीं है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान मौजजा है या नहीं है? कुरान मौजजा है। अगर कुरान करीम मौजजा है तो कोई तर्जुमा करे ना करे, कुरान करीम की आयत पढ़कर पानी पर दम करके किसी मरीज को पिला दे शिफा मिलती है। तो यहां पर ऊपर एक और तुम लगे कि जब कुरआने सामित खामोश कुरान की आयतें पानी पर दम करके मरीज को पिलाओ शिफा मिलती है, तो जो कुरआने नातिक हैं उनके नामों में भी अल्लाह ने ये तासीर रखी है। अगर अली का नाम पानी पर दम करके किसी मरीज को पिला दो उसे शिफा मिल जाए तो ताज्जुब न करना, ताज्जुब न करना। अल्लाह ने इनके नामों में तासीर रखी है। अल्लाह ने हमें इसमें आजम नहीं दिए, इन्हें इसमें आजम दिए, लेकिन अल्लाह ने इनके नामों में इतनी तासीर रख दी कि इनके नाम उसमें आजम बना दिए हमारे लिए। अच्छा, आप और हम कभी स्ट्रेस में होते हैं, क्या करते हैं? हम कहते हैं कि किसी पार्क में चले जाते तो वहां पर क्या होता है? चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पानी के गिरने की आवाज, साहिले समंदर पर लहरों की आवाज, पानी के साहिले समंदर से टकराने की आवाज, ये सारी आवाजें हैं, ये इंसान की रूह पर असर करती है या नहीं करती है? क्या सुन रहे हैं आप? असर करती है या नहीं करती? कि मुझे बतलाइए कि जब दुनिया की दीगर मखलूकात के जो अल्लाह ने खल की है उनकी आवाजें इंसान की रूह पर असर करे, अल्लाह की आवाज कुरान की आयतें इंसान की रूह पर असर नहीं करेगी। ये बात, और एक बात इससे भी आगे की बात, हम और आप में से कौन है कि जो वॉटरफॉल की आवाज का ट्रांसलेशन कर सके, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज का ट्रांसलेशन कौन लेकर आ सकता है? कर सकते ट्रांसलेशन? ये बिल्कुल डिस्कार्ड ना करें, करिए। कुरान करीम की आयतों में असर है कि जो पढ़ेगा उसके दिल के नूर में इजाफा होगा, उसकी आंखों की बिनाई बढ़ेगी, उसकी जुबान में हिकमत जारी होगी। कुरान करीम की एक आयत है कि जिस आयत को 200-250 मरतबा या एक खास अदद है उस अदद पर उसे इतनी मरतबा पढ़े तो इंसान की जुबान से हिकमत जारी होना शुरू हो जाती है। ये कुरान मौजजा है और रिसालत माँ का मौजजा है, इसके एजाज का इंतजार ना कीजिए। ये बात, और जब इंसान अकल से समझने की बात करता है तो बात पता है कहां पर आकर रुकती है? बात यहां पर आकर रुकती है कि रसूल हम और आप जैसा। अब बात रिसालत माप की किन्होंने की जिनका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं था, और उन्होंने ये कहा कि रसूल हम और आप जैसा, वही चीज हमारे और आपके मसलक वालों ने क्या मिसाल पेश की? अली हम और आप जैसा, और मिसालें देने लगे, अली फुला जैसा, अली फुला जैसा, हुसैन फुला जैसा, हुसैन हुसैन इब्ने अली वो मासूम है जो ये कहते हैं कि मन ज़ारनी फी हयातिही ज़ुरतुहु बादा मवातिही, जो अपनी जिंदगी में मेरी ज़ियारत के लिए आए उसकी कब्र में मैं उसकी ज़ियारत के लिए आऊंगा। कोई अगर अपने आप को हुसैन जैसा कहता है तो ये बतलाए कि आज तक किसी की कब्र में उसकी ज़ियारत के लिए गया है क्या? कोई नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ? कुरान का सवाल है, क्या जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? जो सीखने आए हैं और जो सिखाने आए हैं वो कैसे बराबर हो सकते हैं? ये दिखने में हम और आप जैसे जिस्म लेकर आए हैं, ये बात और है। इन्होंने हमारी और आपकी जैसी बल्कि हमसे ज्यादा सख्त जिंदगी गुजारी ताकि हमारे और आपके लिए हुज्जत बन सके, लेकिन रुतबे में ये हमसे कई गुना अफजल है, इख्तियार और विलायत में ये हमसे कई गुना ज्यादा इख्तियार रखते हैं। और अगर कंपैरिजन है
तो कंपैरिजन एप्पल का एप्पल के साथ हो सकता है, एप्पल का ऑरेंज के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर अली जैसा कोई है तो हसन है, अली जैसा कोई है तो हुसैन है, अली जैसा कोई है तो मेहदी है। इस जमाने का अगर हुसैन इब्ने अली है तो वो हमारे और आपके जमाने का इमाम नरगिस का लाल हसन अस्करी का बेटा है। زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مقبول اسے عقل کی میزان میں واعظ جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ ہماری آپ کی عقلیں چھوٹی ہے، ذات علی ابن ابی طالب بہت بڑی ہے، اور یہ بلندی علی کو علی بنا کر علی نے بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال نے، خالق حقیقی نے، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنا بلند مرتبہ عطا کر کے بھیجا ہے، ہمارا کوئی ہے نہیں نہ علی کو یہ مرتبہ دینے والے نہ علی سے یہ مرتبہ لینے والے۔ جب انسان خود کو منزل علی تک پہنچا نہیں سکتا تو منزلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کبھی کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ تم جتنا بھی گھٹا لو گے، جتنا بھی کم کر لو گے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرحلے تک پہنچ نہیں سکتے۔ مجھے یہ بتلائیے، ایک وقت میں کوفہ کا کوئی ایک یتیم بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر علی کی نگاہیں نہ ہوں۔ دور علی ابن ابی طالب میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ بھوکا ہو، کوئی نہیں تھا کہ جو یہ کہہ سکے کہ علی ابن ابی طالب نے ظلم کیا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا نہیں۔ قتل علی کہنے والے نے یہ ضرور کہا، قتل علی لشدت عدل، ارے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا ہی ان کی شدت عدل کی وجہ سے کہا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے، کیا ہے، یہ چھوڑ دیجئے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ جس عدالت کی معراج تک بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ شجاع علی کا علم، شجاع علی کا کرم، شجاع علی کی سخاوت۔ مگر عزیزو، جہاں پر انسان معرفت کے دریچوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے یقین کی ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی ہے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے یقین میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل کا جملہ ایک بار اور سن لیجئے، انسان سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوتا ہے اہل بیت کے سامنے، جب دیکھتا ہے نا تو اسے اور کوئی نظر نہیں آتا اطاعت کے لائق، اطاعت کے قابل۔ مگر عزیزو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے اپنی قوم و ملت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دور میں انسان کو، انسان کو جتنا عزت و شرف کا مرتبہ عطا کیا اور اس کے مقابلے میں جتنی عزت و شرف ان کے گھرانے کو ملنی چاہیے تھی اس اعتبار سے انہیں عطا نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم میں اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم تھا تب امت نے اتنے ظلم کیے، اگر ظلم کا حکم ہوتا، عزیزان محترم، اللہ نے جن ہستیوں کی مبدت کو انسانوں پر واجب رکھا ہے، تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اگر اس دنیا سے ایک 4.5 سال یا 4 سال کی بچی کے باپ کا سایہ سر سے ہٹ جائے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے جائیں، تماچے نہ مارے جائیں۔ اگر
اس کائنات سے کسی باپ کے سر کا سایہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور اگر وہ پیاسی ہو تو اسے جا کر ایک کوزہ پانی پیش کیا جائے, یہ نہ کیا جائے کہ پانی دکھا دکھا کر پیا جائے اس کے بعد کوزے میں پانی کو بھرا جائے اور زمین کربلا پر بہا دیا جائے. جب بچی آس سے دیکھے تو یہ کہا جائے جا کر فرات کے کنارے اپنے چچا ابو الفضل العباس سے کہو وہی تمہارے لیے پانی کا بندوبست کریں گے. مگر آج لوگ یہ بچی پیاسی تو تھی مگر پانی کا کبھی سوال نہ کیا. اہل بیت اطہار کے گھرانے کے پلے بچے مجھے کیوں ایسا ہے, بتلائیے کہ شام غریبہ تک بچے شب عاشور تک بچے کہہ رہے تھے اللہ تش, شام غریبہ میں اللہ تش کی صدایں بند کیوں ہو گئی تھی؟ کیا پانی مل گیا تھا یا بچوں کی پیاس بجھ گئی تھی؟ نہیں عزیزو, پانی نہیں ملا تھا, ایک روایت کے مطابق پانی آیا تھا مگر بچوں کے درمیان اہل حرم کے درمیان سے ان کا سکہ جا چکا تھا. اب اگر پانی کا سوال کرتے بھی تو کس کی آس پر پانی کا سوال کرتے؟ ایک قول یہ ہے کہ دراصل اہل بیت اطہار کے بچے پانی کا سوال مانگنے کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ اتمام حجت کے لیے کر رہے تھے تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے بچے پیاسے تھے مجھے خبر نہ تھی, اگر مجھے معلوم ہوتا تو جا کر پانی کی سبیل کروا دیتا. مگر آدھی لوگ ایک مرتبہ روایت کے مطابق کھڑکی زوجہ نے پانی کا کوزہ پیش کیا ہے, جیسی پانی کی سبیل آئی ہے زینب کبریٰ نے پانی کو دیکھا کہا مجھے پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہے, یہ پانی بچوں کی طرف بڑھا دیا جائے. بچوں کی طرف پانی بڑھایا گیا, ایک مرتبہ ایک بچے نے منع کیا اس سے کم سر بچے کو پیش کیا یہ کہہ کر کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پانی پیتے اس سے چھوٹے بچے کی طرف پانی کو پیش کیا, دیکھیے بچے پیاسے ہیں مگر پانی آنے پر پانی پیتے نہیں ہیں, کیسی تربیت ہوئی ہے نا بچوں کی, ان بچوں کے دل میں کیسا غم تھا کہ پانی نہ پیا, ارے پانی پیتے تو کیسے پیتے, اپنے پیاروں کو پیاسا سوا ہوتے جو دیکھا تھا. مگر یہاں تک کہ نوبت آئی کہ پانی کا کوزہ ننی سکینہ کے ہاتھوں میں پہنچا, جیسے ہی سکینہ نے پانی کا کوزہ پایا ہے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں پانی کو کیوں نہیں پیتی ہے, میری جانب کیوں بڑھا دیا؟ کہا اس لیے کہ جو کمسن ہوتے ہیں پہلے وہ پانی پیا کرتے ہیں بعد میں بڑوں کو پلایا جاتا ہے, یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا اچھا پھوپھی اماں ٹھیک ہے پھوپھی اماں, یہ کہہ کر کھڑی ہوئی مقتل کا رخ کیا مقتل کی طرف چلنے لگی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سکینہ مقتل کی طرف کیوں جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اندر ابھی پیاسا ہے, جب تک بھیا پانی نہ پی لے گا بہن پانی نہ پیے گی. مگر ہاں پانی دینے والوں نے بار بار پانی دیا, کبھی سکینہ پانی پینے سے انکار کرتی تھی کبھی بچی پانی لے کر جمع کرتی تھی اور اس کے بعد جانتے ہیں یہ پانی کہاں لے کر جاتی تھی. ایک مرتبہ پانی جمع کر کے اپنے بھیا سجاد کی بیڑیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی تھی, پانی کو سمبا بھیا سجاد کے کبھی گلے کے توک پر ڈالتی تھی, کبھی پاؤں کی ہتکڑیوں پر پاؤں کی بیڑیوں پر ڈالتی تھی, کبھی ہتکڑیوں پر یہ کہہ کر ڈالتی تھی بھیا سجاد سورج کی تمازت کی وجہ سے آپ کی ہتکڑیاں بہت گرم ہو گئی ہوں گی, بھیا یہ ٹھنڈا پانی اپنی ہتکڑی پر ڈال لیجیے. مگر ہاں بازار کوفہ اور شام میں پانی لانے والی ایک بیوی بچی کے سوکھے ہونٹ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی, ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لائی ہے جناب زینب سے اجازت لی ہے, جناب زینب نے جب اجازت دی ہے ایک مرتبہ بچی کی طرف پانی پیش کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا پانی پی لینا اور اس کے بعد ہمارے حق میں دعا کر دینا, اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا, میں نے دیکھا کہ تم پر ظلم ہوا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ پانی بعد میں پیا جائے گا دعائیں پہلے کی جائیں گی, جناب سکینہ کو حکم ہوا ہے. ایک مرتبہ اس بیوی سے کہا اپنی حاجتوں کو پیش کر, کہا بیٹا یہ دعا کرنا میرا شوہر سفر پر گیا ہے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے, نہیں معلوم سکینہ نے ننے ننے ہاتھ کس
دل سے اٹھائے ہوں گے. چچا گیا تو تھا واپس سلامت نہ آیا تھا, بس کہنے لگی باغیر بے خدا اس بی بی کا شوہر سفر پر گیا ہے, تجھے ہماری مظلومیت کا واسطہ, اسے سلامت گھر لوٹا دے. دوسرا سوال ہے, ایک مرتبہ کہا جیسے تم یتیم ہوئے ہو دعا کرو ویسے ہم یتیم نہ ہو, جیسے تم اسیر ہوئے ہو ویسے دعا کرو کہ ہم اسیر نہ ہو. جناب سکینہ کے مصائب کے لیے یہی ایک جملہ کافی تھا, دی دو اس ننھے سے دل پر کتنے زخمان کر ٹوٹے ہوں گے. مگر بچی نے دعا کی آخری دعا, یہ دعا کرتے بچی خدا مجھے مدینہ کی زیارت کا شرف عنایت کرے. زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ توجہ فرمائی, کہا مدینہ زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے, مدینہ میں تیرا کون ہے؟ کہا نہیں جانتی, مدینہ میری شہزادی رہتی ہے, رسول کی نواسی رہتی ہے, علی کی بیٹی رہتی ہے. کہا کہ اگر تیری یہ شہزادی اس بازار میں آ جائے تو کیا تو اسے پہچان لے گی؟ کہا خبردار, میری شہزادی تدھیر کی وارث ہے, پاکیزگی کا بیٹر ہے, بازار سرے بازار میری شہزادی کا نام نہ لے. تو نہ ہو میں ضرور پہچان لوں گی, میں اس لیے پہچان لوں گی 5 سال میں نے بی بی کے گھر میں کنیزی کی ہے. ایک مرتبہ سننا تھا, سر سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ تیری شہزادی زینب چہرے کی زیارت کر لے, پر تیرے آقا حسین کا سا گھوڑے کے گردن میں میرے ابو الفضل العباس کا سا. Yes, sir.